झांसी लाट चौराहे पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का अधिकारी कर रहे हैं उनका शोषण। उन कर्मचारियों का कहना है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। 30 दिन की सैलरी ना देकर 26 दिन की सैलरी दी जाती है, जबकि राज्य सरकार द्वारा 30 दिन की सैलरी आती है। अधिकारियों से बात करने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, इसलिए मजबूरी पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। SRV से अमित कुमार श्रीवास्तव और सोनू साहू की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मैं धीरज चंदारिया, जिला अध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघ। किस बात के लिए धरना दे रहे हैं? ये हम लोग करीब एक दो वर्षों से लगातार नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन पत्र वार्ता करके चले आ रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा जानबूझकर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाता है। चाहे आउटसोर्स कर्मचारियों का एरिया लो, चाहे संविदा सफाई कर्मचारियों की समस्या हो, चाहे नियमित सफाई कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के प्रकरण हो, हर चीज़ में से मनमानी, किसी को भी लगा देना, किसी को भी हटा देना, ये चल रहा है। इसलिए मजबूर होकर, बहुत मजबूर होकर हम लोग ये धरना दे रहे हैं। और सैलरी टाइम से मिल रही है क्या? सैलरी हमारी जो शासन आदेश अनुसार जो हमें मिलना चाहिए वो हमको नहीं दी जाती है। 366 के हिसाब से सेवा समाप्ति को, सेवा आउटसोर्स कर्मचारियों को है वेतन, लेकिन 30 दिन काम कराते हैं, 26 दिन की वेतन देते हैं। चार छुट्टियां ये लोग सरकार को ये बताएं, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, कि हम लोग चार छुट्टी कर्मचारियों को दे रहे हैं, लेकिन कोई छुट्टी नहीं देते। ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए सफाई कर्मचारियों का शोषण, सफाई कर्मचारियों की कमियां गिनाई जाती हैं। अधिकारियों द्वारा लगातार मनमानी, अधिकारियों द्वारा लगातार चरण सीमा पर भ्रष्टाचारी की जा रही है। किसी भी काम के लिए बिना पैसे दिए एक फाइल यहाँ से वहाँ नहीं हो सकती, चाहे वो मृतक आश्रित की हो, चाहे वो पदोन्नति की हो, चाहे वो ACP भुगतान की हो। और कुछ आप बोलो, बताइए। मंडल अध्यक्ष श्री लखन उत्पाद, नगर निगम उत्तर प्रदेशीय कर्मचारी संघ का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। और अभी अभी आपके सामने धीरज चंदारिया ने जो कहा है वो बात सही है, और मैं भी वही बात कहूँगा जो धीरज चंदारिया जिला अध्यक्ष जी हैं। यहाँ पर नगर निगम के अंदर हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत अन्याय, बहुत ही तरह का शोषण हमेशा बरसों तक किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग हमेशा संगठन के लोग बराबर काम निरंतर करते हैं कर्मचारियों के हित में, लेकिन आश्वासन दिए जाते हैं परंतु कार्य हमारे सफाई कर्मचारियों के कहीं नहीं होते हैं। और आश्वासन देने के उपरांत जब हम लोग पैसा दे देते हैं कुत्तों में या बाबुओं को अधिकार, तो फिर हमारे काम सील हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में गरीब जनता है, गरीब कर्मचारी है, और आउटसोर्स कर्मचारी तो 9000 रुपये वेतन पा रहा, जबकि वेतन 12000 के लगभग है, वो पैसा भी नहीं देते। उसका तमाम एरियल है, संविदा कर्मचारियों का एरियल भी है, वो भी बकाया है, उसको भी त्योहारों पे मांगा जाता है, लेकिन कभी त्योहारों पे एरियल भी नहीं दिया जाता है। तो हमारे 17 मांगे हैं ज्ञापन में, 17 मांगों से वो ज़्यादा से ज़्यादा